आज की वीडियो में हम बात करेंगे कमजोर छात्र से टॉपर छात्र कैसे बने। बहुत सारे लोग आपसे ये कहते होंगे कि यार तेरा दिमाग कमजोर है इसलिए तू पढ़ाई में वीक है, और टॉपर के पास तेज दिमाग होता है इसलिए वो टॉपर है। तो दोस्तों इस बात में कोई लॉजिक ही नहीं है। हर इंसान का दिमाग एक जैसा होता है, बस फर्क है परफेक्शन में। अलग अलग इंसान का दिमाग अलग अलग फील्ड में चलता है। जैसे हो सकता है कि आप पबजी खेलने में बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, पबजी में आपका बहुत तेज दिमाग चलता हो, लेकिन पबजी में आप किसी को नहीं जीतने देते होंगे, लेकिन आपका पढ़ाई में वही दिमाग नहीं चलता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आपका दिमाग कमजोर है, बस आपका पढ़ाई में दिमाग इसलिए नहीं चलता क्योंकि आपने पढ़ाई में परफेक्शन हासिल नहीं की है, पढ़ाई में आपका उतना इंटरेस्ट नहीं है, और पबजी में आपने परफेक्शन हासिल कर लिया है। पबजी आपको खेलना अच्छा लगता है, मजा आता है, इसलिए आपका उसमें दिमाग चलता है। और आपने उसमें परफेक्शन कैसे हासिल कर ली, उस पर आप रोज काम करते हो, रोज उस पर खेलते हो। तो किसी भी चीज़ में परफेक्शन हासिल करने के लिए, किसी भी चीज़ में आपको इंटेलिजेंट बनने के लिए आपको उसमें रोज काम करना होगा। इसी तरह अगर आपको पढ़ाई में इंटेलिजेंट बनना है, पढ़ाई में आपको, आप चाहते हो कि मेरा दिमाग चले, तो आपको पढ़ाई रोज करनी होगी। तो सबसे पहली टिप्स जो है इंटेलिजेंट बनने के लिए, टॉपर बनने के लिए, वो है कि आप रोज पढ़ाई करो। जिस तरह से आप पबजी रोज खेल खेल करके, पबजी का एग्जांपल छोड़िए, कोई और ही आप सोचिए कि हर, देखिए जो भी फील्ड में आप परफेक्शन हासिल लाना चाहते हो, जो भी फील्ड में आप चाहते हो कि मेरा दिमाग चले, उसमें आप रोज काम करो। जैसे अगर आपको शुरू में आपको कंप्यूटर चलाना नहीं आता है, लेकिन आप जैसे जैसे कंप्यूटर चलाने लग जाते हो, जैसे जैसे और काम करने लग जाते हो, रोज उस पर काम करते हो, तो आपको कंप्यूटर में एक वक्त ऐसा आता है कि आप परफेक्शन हासिल कर लेते हो, आपको महारत हासिल कर लेते हो उसमें, फिर आपका ऑटोमेटिक कंप्यूटर में दिमाग चलने लग जाता है। तो सेम चीज पढ़ाई पर भी लागू होती है। पढ़ाई में आप चाहते हो कि मेरा दिमाग चले, मैं इंटेलिजेंट बनूं, तो आप रोज पढ़ाई करो, थोड़ा ही करो, हल्का ही करो, लेकिन आप रोज समय दो पढ़ाई पर। इससे क्या होगा कि आप धीरे धीरे आपका पढ़ाई में इंटरेस्ट बढ़ेगा, और जब इंटरेस्ट बढ़ेगा तो हमारा ऑटोमेटिक उसमें दिमाग चलता है दोस्तों। तो सबसे पहली टिप से आपके लिए, अगर आपको इंटेलिजेंट बनना है तो आपको रोज पढ़ाई करनी होगी। दूसरी चीज, फोकस ऑन सेल्फ स्टडी रादर देन स्कूल स्टडी। एक अच्छा स्टूडेंट वही होता है जो अपने सेल्फ स्टडी को ज्यादा प्रायोरिटी दे, ज्यादा महत्व दे स्कूल स्टडी से। देखिए आपको हमेशा स्कूल से एक कदम आगे रहना है। स्कूल में जो भी टॉपिक चलने वाला है उससे आप एक दिन पहले ही पढ़ के जाओ, ताकि ये इससे आसानी होगी कि वो आपको टॉपिक समझने में आसानी होगी। और इसमें सबसे ज्यादा हेल्प करेगा आपको दोस्तों यूट्यूब। यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म दोस्तों, यूट्यूब अपने आप में एक पूरी दुनिया। यूट्यूब पे ऐसा कुछ भी नहीं जो नहीं अवेलेबल है। जैसे अगर आपको ट्रिगोनोमेट्री समझ में नहीं आ रही है, तो आप स्कूल के भरोसे मत बैठे रहो कि स्कूल में जब स्टार्ट होगा ट्रिगोनोमेट्री तब मैं पढ़ूंगा। नहीं, आप क्या करोगे, आप यूट्यूब पे पढ़ाई करो। अगर आपका लग रहा है कि अब मुझे ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट कर देनी चाहिए, तो आपको स्टार्ट कर देनी चाहिए। आप स्कूल के भरोसे मत बैठे रहो, आप यूट्यूब पे जाओ। यूट्यूब पे बेस्ट से बेस्ट टीचर मिल जाएंगे आपको, जो आपको ये ट्रिगोनोमेट्री पढ़ा सकते हैं, तो आप उससे पढ़ो ट्रिगोनोमेट्री। जैसे अगर कोई और ही सब्जेक्ट साइंस में ही पढ़ना है, तो आप यूट्यूब से पढ़ाई करो दोस्तों। यूट्यूब एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है दोस्तों ऑनलाइन स्टडी के लिए। तीसरी चीज है कि आपको अपने आप को कमजोर स्टूडेंट्स नहीं मानना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये मानकर बैठ जाते हैं कि यार मेरे पास तेज दिमाग नहीं है, मेरे पास उतना अच्छा दिमाग नहीं, इसलिए मैं टॉपर नहीं बन सकता, इसलिए मैं इंटेलिजेंट नहीं बन सकता, इसलिए मैं पढ़ाई में कमजोर हूं। तो दोस्तों ये चीजों को अपने दिमाग से निकाल देना। आप जो कर सकते हो वो कोई नहीं कर सकता दोस्तों। आपके पास एक बहुत अच्छा दिमाग है दोस्तों, आप खुद ही देखो ना। कोई अदर फील्ड में तो आप अच्छे होंगे दोस्तों, तो कैसे अच्छे हो जब तेज दिमाग के बगैर ही अच्छे हो आप। आपके पास बहुत तेज दिमाग है दोस्तों, बस आप तेज उस दिमाग को यूज नहीं कर रहे हो दोस्तों। आप पढ़ाई में तब यूज करोगे जब आप पढ़ाई रोज करोगे दोस्तों। किसी भी चीज में रोज काम करने पर ही उसमें हमारा दिमाग चलता है दोस्तों। तो आप जब तक रोज नहीं पढ़ाई करोगे, तब तक आपको उसमें दिमाग नहीं चलेगा। और आपको अपने आप को कमजोर नहीं मानना है दोस्तों, जो आप कर सकते हो वो कोई नहीं कर सकता है। तो दोस्तों ये थी कुछ टिप्स जिनकी मदद से आप एक कमजोर स्टूडेंट से एक अच्छा स्टूडेंट बन सकते हो, एक बेहतर स्टूडेंट बन सकते हो, एक टॉपर स्टूडेंट बन सकते हो। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे, और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर ले, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले, ताकि जब भी हमारी कोई अगली वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिले।